If momentum p, mass and time t are chosen as the fundamental quantities, then the dimensional formula of length. तो जो लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या होगा? तो मैं लिख देता हूं l इज इक्वल टू p रेस टू द पावर x, m रेस टू द पावर y. जस्ट वेट, यस, m रेस टू द पावर y एंड t रेस टू द पावर z. अब मैं दोनों तरफ के डायमेंशंस लिखता हूं, तो p की डायमेंशन होती है l t, m l t माइनस 1 पावर x, m पावर y एंड t पावर z. अब दोनों साइड की डायमेंशंस को कंपेयर करेंगे और x, y, z की वैल्यू निकालेंगे. देन m की जो पावर आई वो आई x प्लस y, और इधर m की पावर 0 है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x प्लस y इज इक्वल टू 0. अब अगर l देखें, l की पावर x और यहाँ पर पावर 1 है तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू 1, और यहाँ से मुझे पता चलता है y इज इक्वल टू माइनस 1. z है ही नहीं दोनों तरफ, तो z माइनस मतलब t नहीं है दूसरी तरफ, एक तरफ है, तो z माइनस x इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू x दैट इज इक्वल टू 1. सो व्हाट इज द डायमेंशन? y इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू 1. तो जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा p 1 m माइनस 1 एंड t 1. सो l इज इक्वल टू p m इनवर्स t. देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है. ऑप्शन c सही है, करेक्ट आंसर है.